वक्त बदल चुका है, मैंने हंसकर अर्ज किया। आपको सोचना होगा, आप केपी में 9 साल मुसलसल हुकूमत के बाद बल्दियाती इलेक्शंस हार गए। पिशावर से आपके 5 MNAs हैं और 11 MPAs हैं, लेकिन लोगों ने मेयरशिप के लिए वोट JUI को दे दिया। आपकी इंतखाबी मुहिम वजीर आजम ने चलाई थी, इलेक्शन से कबल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर वजीर आजम को इफ्तिताह से रोका, मगर वजीर आजम 8 दिसंबर को पिशावर भी आए और स्कीम का फीता भी काटा और जबरदस्त तकरीर भी की, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने आपको वोट नहीं दिया। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने भी फंड्स के दरवाजे खोल दिए। ये लोगों को फोन पर बता रहे थे, मेरे पास 70 करोड़ रुपए मौजूद हैं, मैं ये फंड्स जीतने वालों को दूंगा। लेकिन उसके बावजूद सवाबी की 4 नशिस्तों में से 1 JUI, 1 नून लीग और 1 ANP ने हासिल कर ली। बन्नू में आपके 2 MPAs हैं, आप वहां से भी JUI के इरफानुल्लाह दुरानी के हाथों शिकस्त खा गए। और कोहाट से शहरियार आफरीदी और शिबली फराज पूरे हलके के सरदार हैं, मगर आप वहां से भी हार गए, लिहाजा सूबे की 4 मेयरशिप्स आपके हाथ से निकल गई। आप इसी तरह 40 तहसीलों में भी हार गए और सिर्फ 14 तहसीलों में कामयाब हुए, और वहां भी आपका मार्जिन बहुत कम था, लिहाजा आपको सोचना पड़ेगा। अवाम अब आपके साथ नहीं है, वो मेरी गुफ्तगू के दौरान बयक वक्त खुश भी होते रहे और अफसरदा भी, और मैं हैरत से उन्हें देखता रहा। मैं रुका और फिर अर्ज किया, मुझे आपके अफसोस की वजह समझ आ रही है, लेकिन आप खुश क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा। वो हंसकर बोले, मैं इसलिए खुश हूँ कि शायद हम इस झटके से ही जाग जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं और हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। और अफसुर्दा इसलिए हूं कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी जमीर है, और हमने मुल्क का जो हाल कर दिया, माजी के हुक्मरान शायद मिलकर भी ऐसा ना कर पाए। हम अवाम की आखिरी उम्मीद थे, मगर हमने बदकिस्मती से वो उम्मीद तोड़ दी। हम मुल्क की आखिरी लिबरल और प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फारिग हो चुकी हैं, लिहाजा अवाम ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, लेकिन हम डिलीवर नहीं कर सके। हमें यह भी मानना होगा और यह भी तस्लीम करना होगा कि हमने मुल्क में जो पॉलिटिकल गैप पैदा कर दिया, वो अब मजहबी सियासी जमातें पुर कर रही हैं। हम बड़े फखर से ऐलान कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी केपी में सीटें नहीं ले सकी, नून लीग की 3 और पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त आई है। हम इस पर खुश हैं, लेकिन यह मातम का वक्त है, क्योंकि लोगों ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों लिबरल जमातों को मुस्तरद करके मौलाना फजलुर रहमान की जमात को वोट दे दिया। मौलाना अब अगर बलूचिस्तान से भी वोट ले लेते हैं और सिंध में भी, तो हम कहां खड़े होंगे? दूसरा, पंजाब में अगर TLP अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है, तो ये वहां से JUIF साबित होगी। ये हम सबको लपेट कर रख देगी, और ये ट्रेंड मुल्क के लिए कितना खौफनाक होगा, क्या हमें इसका अंदाजा है? लिहाजा हमें यह समझना होगा, मजहबी सियासी जमातें अब लोगों की उम्मीदों का मरकज बन रही हैं, और यह तब्दीली अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद कितनी खौफनाक साबित हो सकती है, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। वो खामोश हुए तो मैंने अर्ज किया, आपकी नाकामियों ने आज मगरबी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बना दिया है, आप मुल्क के लिए जनरल नियाजी साबित हो रहे हैं। अवाम और हुकूमत 2 मुख्तलिफ अनासिर बन चुके हैं, इन दोनों की जुबान तक मुख्तलिफ है। हुकूमत को महंगाई महंगाई दिखाई नहीं दे रही, जबकि अवाम को चीनी के दाने भी चट्टाने महसूस हो रहे हैं। कर्जे पहाड़ बन चुके हैं, मुल्क पहली मर्तबा डिफेंस के अखराजात भी उठाने के काबिल नहीं रहा, अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है, चुनाचे ये अब आप पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपके 3 बरसों में TLP की शक्ल में पंजाब में एक नई सियासी कुव्वत सामने आ गई, ये बरेलवी अक्सरियत की पहली बड़ी सियासी जमात है। बरेलवी मकतबा फिक्र के लोग इससे कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुनकसिम थे, अक्सरियत नून लीग के साथ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी उनके वोट थे,
और ये खुद भी छोटी छोटी सियासी जमातों में बटे होते थे। लेकिन फिर मुमताज कादरी के वाक्य ने उन्हें जोड़ दिया। रियासत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ने और आपको इक्तदार में लाने के लिए इन्हें सहारा दे दिया और इस सहारे के दौरान ये एक बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। 31 अक्टूबर 2021 के मुआहदे ने इन्हें मजीद मजबूत और रियासत को कमजोर कर दिया। मौलाना फजल रहमान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 2013 में दूरी पैदा हो गई। यह दूरी 2018 के इलेक्शंस में बढ़ गई। हुकूमत का ख्याल था मौलाना की सियासत खत्म हो चुकी है, ये अब दोबारा कभी सियासत के मरकजी धारे में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन केपी के बल्दियाती रिजल्ट ने पूरी सियासत को हिला कर रख दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम न सिर्फ पूरी ताकत के साथ वापस आई बल्कि उसने 3 बड़े सूबाई शहर अपनी चादर में भी लपेट लिए। चुनाचे अब सूरत हाल ये है कि केपी में जमीयत तेजी से उभर रही है, पंजाब में टीएलपी और दोनों नेशनल पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमजोर हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी गिरफ्त खो चुकी है। लिहाजा अब मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान के बारे में कौमी और बैनुल अक्वामी तासुर था, अवाम मौलवी को माल भी दे देते हैं और उनके हुक्म पर जान भी, लेकिन ये इन्हें वोट नहीं देते। 1947 में भी अवाम जल से अमीर शरीयत अताउल्ला शाह बुखारी के गरमाते थे लेकिन वोट उन्होंने कायदे आजम को दिया था। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल रही है, मुल्क में पहली बार मौलवियों को वोट भी पड़ रहे हैं और ये रियासत को पसपाई पर भी मजबूर कर रहे हैं, और इसका क्या नतीजा निकलेगा पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। वो थोड़ी देर सोचते रहे और फिर पूछा, आपके जहन में कोई हल आता है? मैंने हंसकर अर्ज किया, हल बहुत सादा और आसान है। इमरान खान को मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठना होगा। ये तीनों बैठें और मुल्क का सियासी मुस्तकबिल तय करें, वरना ये सूरत हाल मुल्क को मजीद अनार्की में ले जाएगी। वो हंसकर बोले, गोया आप हमें करप्ट लोगों के साथ बैठने का मशवरा दे रहे हैं। मैंने कहकहा लगाया और अर्ज किया, आप करप्ट लोगों के साथ पहले से बैठे हैं। क्या हुकूमत में इस वक्त चीनी, आटा, अद्वियात और खाद माफिया मौजूद नहीं? क्या लोग इस वक्त अरबों रुपए की दिहाड़ी नहीं लगा रहे? आप अगर उनके साथ बैठ सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ बैठने में क्या हर्ज है? दूसरा, अगर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं तो हुकूमत अभी तक अदालतों में ये साबित क्यों नहीं कर सकी? आज तक क्या रिकवरी हुई? लोग अब इस बयानिए से बेजार हो चुके हैं। ऑपोजिशन की करप्शन की कहानियां हुकूमत की बैड गवर्नेंस और कमजोर परफॉर्मेंस के पीछे छुप चुकी है। आपने बुरी हुक्मरानी का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि लोगों को अब ऑपोजिशन की करप्शन नजर ही नहीं आती। वजीर आजम तकरीर करते हैं तो लोगों की हंसी निकल जाती है और ये एक दूसरे से पूछते हैं, इमरान खान किस मुल्क की बात कर रहे हैं? वजीर आजम का पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, हम शायद अफ्रीका में रह रहे हैं और ये अमरीका की किसी रियासत को पाकिस्तान समझ रहे हैं। चुनाचे बेहतर यही है कि हुकूमत और ऑपोजिशन इकट्ठी बैठे, अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने का फैसला करे, मुआशी इस्लाहात करे, गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करे और मुल्क अगले इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। इमरान खान मैदान में खड़े रहे, अवाम ने अगर चाहा तो ये दोबारा मुंतखब होकर वापिस आ जाएंगे। इक्तदार से चिमटे रहने की उनकी ख्वाहिश इस मुल्क को मजीद तबाह कर देगी। आपके पैदा करदा सियासी खला को मजहबी सियासी जमातें पूर करेंगी और इससे मुल्क की हैयत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। अफगानिस्तान का हशर हमारे सामने है। तालिबान की हुकूमत आई लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक पूरी नहीं कर पा रही और ये अब बैरूनी इमदाद का रास्ता देख रहे हैं। ये लोग इस इमदाद के लिए अपने बुनियादी नजरियात तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। लिहाजा हमें तारीख और जुग्राफिये से सीखना चाहिए। वो सुनते रहे और हंसते रहे। मैं खामोश हुआ तो वो बोले, हमारे पास अब कितना टाइम है? मैंने कहकहा लगाकर पूछा, क्या पिशावर, मर्दान, कोहाट और बन्नू के बाद भी आप ये पूछ रहे हैं? मैं वक्त के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ
वक्त अब आपका नहीं रहा, ये बदल चुका है। आप इस हकीकत को जितना जल्द समझ जाएंगे उतना आप और इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, वरना कोई इस मुल्क का वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा।